The real estate developer Hiranandani Group अब data center service में अपना विस्तार करने जा रही है. Hiranandani Group ने Yotta नाम से data center park में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है. Yotta का पहला center पनवेल की Hiranandani Fortune City में इसी साल दिसंबर से शुरू होगा. इस पर Hiranandani Group के CMD नरेंद्र हीरानंदानी और Yotta के MD दर्शन हीरानंदानी से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने. दर्शन जी, आप इसको फोकस करेंगे, आप ही डेटा सेंटर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो क्या किस तरह की प्लानिंग के साथ? ये जो डेटा सेंटर है उसमें हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन में, हर चीज़ की बेस्ट एक्सपीरियंस लेके, बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके हम उसको साथ मिला के कस्टमर को हर तरीके का बेनिफिट देना चाहते हैं. और हम ये चाहते हैं कि हम उनको डेटा सेंटर की जगह दुनिया की सबसे सस्ती पहुंचाए और सबसे बेस्ट पहुंचाए. तीनों शहरों में एक साथ शुरू करेंगे या वन बाय वन शुरू होगा? नहीं, पहले हमारा स्टॉप है पनवेल नवी मुंबई में, और सेकंड स्टॉप हम चाहते हैं कि वो चेन्नई में होगा. और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड वहाँ यही दो जगह पर है, क्योंकि सबमरीन केबल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई और चेन्नई में आते हैं, तो हम विश्व में भी कनेक्टिविटी दे देंगे. दर्शन जी, आज पर्स खोने का डर नहीं होता, लेकिन डेटा खोने का डर होता है, और ऐसे में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों पर भी आरोप लगते रहते हैं डेटा शेयर करने का, तो इसकी सुरक्षा कैसे देंगे? हाँ, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं. पहले तो हम लुक फॉर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पार्लियामेंट में पहुंचने वाला है. ये सेशन अगर एक्सटेंड होगा तो इसी सेशन में आ जाएगा, नहीं तो अगले सेशन में तो आने वाला ही है. दूसरी बात ये है कि हम मजॉरिटी कस्टमर्स के डेटा को कभी छू ही नहीं सकते. हम अभी के लिए तो दूसरे कंपनियों को, फेसबुक, अमेजोन, गूगल को अपनी जगह दे देंगे और वो देखेंगे. थोड़े बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो छोटे हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं Yotta, आप हमारे लिए डायरेक्टली करो. उनके लिए भी, इंडियन सिटीजन नागरिक होने की वजह से भी, हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम किसी का भी डेटा जीरो एक्सेस के साथ यूज करेंगे. आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के 10,000 स्कूल